धारचूला के जवाहर सिंह नब्यार स्टेडियम में ताइक्वांडो के सत्री खिलाड़ियों ने आज प्रतिभाग किया। धर्म सिंह बिष्टी ने बताया कि उक्त खिलाड़ी चयनित होकर जिला में खेलेंगे। तहसीलदार एके सिंह ने आज फायर ब्रिगेड के समीप बने अस्थाई फल को निस्ता नाबूद किया। उक्त फल को अतिक्रमण के दायरे में लेकर तहसीलदार ने आज कार्रवाई की और फल को तोड़कर फल मालिक को चेतावनी दी गई है। धारचूला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने आज किया नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत समारोह। धारचूला के ब्लॉक अध्यक्ष बने भूपेंद्र सिंह थापा। कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष के रूप में नारायण दरयाल ने आज भूपेंद्र थापा को नए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई। साथ ही जिला डिडियाट के जिला अध्यक्ष मनोहर सिंह व टोलिया व विक्रम सिंह दानू यूथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हिमांशु आदि उक्त कार्यक्रम में मौजूद रहे। नंदा बिष्ट ने बताया कि उक्त कार्यक्रम आज स्थानीय नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के स्वागत समारोह का है। स्वागत समारोह में कांग्रेस की काफी भीड़ देखने को धारचूला के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मिली। साथ ही क्षेत्र के भूतपूर्व सैनिक सुनील कुमार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य व होशियार सिंह खैर को कांग्रेस प्रदेश संगठन में जगह मिलने पर भी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की गयी। खबर बात लेनी है, हमने 2022 का चुनाव तो फतह कर लिया लड़की, हम सरकार बनाने से रह गए, लेकिन हम अब लड़ाई लड़नी, जो दायित्व जो जिम्मेदारी हमको धारचूला की जनता ने दी, आपदा प्रभावित होगा, मैं कल भी आपदा प्रभावित हुए कैंप में गया, जो लोग पुनर्वास से छूट गए या जिनका पुनर्वास का नाम आ गया, लेकिन आज भी इस 5 महीने के बाद भी बैडमिंटन हॉल में बैठ रहे, या तो जानवरों को इस तरह रखा जाता है या फिर जिसका कोई बोलने वाला नहीं होता उसको इस तरह रखा जाता है। 1 महीना 2 महीना 3 महीना हम मान सकते हैं कि आप रिलीफ कैंप में रखें, लेकिन ऐसा नहीं कि आप 6 महीने पूरे साल भर हमको जो है रिलीफ कैंप में रखें। आज मैंने मीडिया से भी कह दिया, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ संदेश भी दिया, एक प्रदेश एक देश में जो कानून नहीं चलने देंगे। हम जोशीमठ के आपदा प्रभावितों के साथ हैं, हम उनके संघर्ष में उनके साथ हैं, लेकिन जिस तरह जोशीमठ के आपदा प्रभावितों को मुआवजा दिया जाएगा उसी तरह विधानसभा धारचूला के तमाम आपदा प्रभावितों को। मैंने कल अपने युवा साथियों को दर के लोगों को कह दिया, मैंने कहा जोशीमठ क्यों चारधाम क्यों सिर्फ जोशीमठ दिख रहा है, हमारा दरगाह नहीं दिख रहा है, जहां पर मकान है नीचे झुकने की बजाय ऊपर को झुक रहे, मैंने कहा वो आपदा नहीं है। अगर जोशीमठ चारधाम जो है चारधाम का क्षेत्र है तो मैं ये कहना चाहता हूँ यह भी कैलाश की भूमि, यहाँ पर 3-3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का जो है हम लोग नेतृत्व करते हैं, तो क्षेत्र के लोगों की अनदेखी कहीं बर्दाश्त नहीं हो, चाहे एल धारा का प्रकरण हो उसमें टेंडर लग गए हैं, यह हमारा जो है घरदार से लेके नीचे तटबंध का मामला हो, या जिस तरह आज हिलवेस कंपनी के द्वारा यहाँ पर अव्यवस्था की जा रही है। एक कल हमारा युवा साथी जिसको मैंने हमेशा, मैं आज भी कह रहा हूँ, कभी उसको अगर कहीं पर कील भी चुभती थी तो अपने परिवार को नहीं, सबसे पहले मुझे कहता था भाई तू कहाँ है, और बड़ा दुख है परसों 3 बार उसने मुझे फोन किया, मेरी बातें हुई, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, लेकिन अल्पकाल ने जो है उसकी मृत्यु ने उसको अपने गोद में ले लिया। और सबसे बड़ी दुख की बात, आज सुबह जब मैं 6 बजे मैंने फोन देखा तो उसकी बीवी का फोन आया, उसने कहा भैया मेरा विक्रम कहाँ है, आपके होते हुए उसके साथ ये क्या हो गया। जब एक बहन एक माँ अगर अपने किसी बात के लिए हमसे उम्मीद करती है, क्योंकि मैं इस विधानसभा का जो है विधायक नहीं, मैं एक यहाँ का जो है एक सेवक भी, उसके नैतिकता उसकी जिम्मेदारी थी, उसने पूछा कि मेरे विक्रम को कौन लाएगा, तो मैं क्या जवाब दूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि आप किसी दूसरे विक्रम की तरह। देखिए सर्वप्रथम तो किसी भी पार्टी में परिवर्तन होते रहते हैं, और ब्लॉक अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होने का नया ब्लॉक अध्यक्ष चुना गया है, नए PCC मेंबर बने हैं, नया जिला अध्यक्ष बना है, नया यूथ कांग्रेस में नया जिला अध्यक्ष जो है इलेक्शन के माध्यम से जीत के आए हैं, तो आज हमारे धारचूला कांग्रेस कमेटी ने इस संदर्भ पर सबका स्वागत समारोह और
जो है इसमें एक प्रोग्राम का आयोजन किया था जो बहुत अच्छा है, और नववर्ष में नए उमंग और नए जोश के साथ धारचूला क्षेत्र के काम के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए हम सब एकजुट हुए हैं। और निश्चित तौर पर विपक्ष में है, विपक्ष की भूमिका जो होती है उस भूमिका को कैसे आगे हम बनाएं उस रणनीति के तहत हम लोग चल रहे हैं। और दूसरा मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि जोशीमठ आपदा में जिस तरह से है, भाई हमें भी बहुत दुख है, हम भी जोशीमठ के आपदा प्रभावितों के साथ हैं, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, एक प्रदेश एक देश में दो कानून नहीं चलेंगे। जो नीति जो तय जोशीमठ के प्रभावितों के लिए होगा वही हमारी धारचूला मुंशहरिया उत्तराखंड के जो आपदा प्रभावित है उनके लिए भी होगा। हम भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लोग हैं, बल्कि हम तो तीन तीन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में बसे हैं। और निश्चित तौर पर हम लोग इस मीटिंग का आयोजन इसीलिए कर रहे हैं कि हम भी सरकार की गतिविधियों में नज़र रख रहे हैं कि अब सरकार कब तक सीमांत और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में लगे हुए लोगों की जो है अनदेखी करेगी। अगर निश्चित तौर पर अगर अनदेखी हुई तो इस बार हमारी लड़ाई आर पार होगी सरकार के साथ, ये हमने तय किया है। और दूसरा, कल मैं आपदा प्रभावितों के बीच नीचे गया था, आज भी आपदा के इतने महीनों के बाद भी लोग अभी 50 परिवार एक ही बैडमिंटन हॉल के अंदर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और मैंने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से लेकर आपदा सचिव सबको ये अवगत कराया भी था कि भाई हम कुछ समय के लिए रिलीफ कैंप में रख सकते हैं, बाकी समय के लिए एक ही कमरे के अंदर 60 परिवारों को 50 परिवारों को हम नहीं रख सकते, ऐसा तो जानवरों को भी नहीं रखा जाता है। तो मेरा साफ ये कहना है कि सरकार जब तक इनका पुनर्वास नहीं होता है, इनको एक जो है उचित धनराशि महीने के रूप में किराए के रूप में दे ताकि ये लोग घरों में जा सकें। और इस तरह की जो हालात बन रहे हैं तो ये बर्दाश्त लायक नहीं है। अब हमारी जो सहनशीलता है, जो हमारी क्षमता है, हमने जितना सहन करना था, जितना सरकार का मदद करना था कर लिया है, लेकिन अगर अब सुनवाई नहीं हुई तो ये लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी। चाहे हमको नेशनल हाईवे को रोकना पड़े या उपजिलाधिकारी के ऑफिस में ताला लगाना पड़े या जिलाधिकारी के यहाँ तालाबंदी करना पड़े या मुख्यमंत्री आवास पर जाकर आंदोलन करना पड़े, हम इन तमाम चीज़ों के लिए अब तैयार हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आह्वान भी कर रहे हैं हम इस नव वर्ष में कि हम सरकार के तमाम विकास कार्यों के साथ हैं, लेकिन सरकार जहाँ पर सीमांत क्षेत्र की अनदेखी कर रही है। कांग्रेस की जो नई कार्यकारिणी बनी है, हमारे जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, यूथ के अध्यक्ष और जो यूथ के प्रदेश से लेकर ब्लॉक तक की जो कार्यकारिणी बनी है, उन सभी लोगों के सम्मान के लिए और स्वागत के लिए आज धारचूला डाक बंगले में हम लोगों ने स्वागत के लिए तैयारी करी है। और सभी जिलाध्यक्ष भी पहुंचने वाले हैं और सभी यहाँ पे जितने नए कार्यकारिणी हैं उनसे ये उम्मीद करेंगे कि नई कार्यकारिणी के साथ कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और वो लोग कांग्रेस को और मजबूत करने के लिए मेहनत करेंगे और उनकी मेहनत में हम लोग हमेशा साथ हैं। और कांग्रेस को मजबूती के लिए उनसे नई आशा, नई उम्मीदों के साथ हम उनका स्वागत कर रहे हैं। किसको पद मिला? हमारे ब्लॉक जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र थापा जी और जिला अध्यक्ष हैं मनोहर टोलिया जी, जो यूथ के हमारे जिला अध्यक्ष हैं वो हमारे विक्रम भाई और उसके साथ साथ प्रदेश सचिव हिमांशु और बहुत सारे हमारे जो यूथ में बने हैं, सभी लोगों को बधाई के साथ साथ हम उनका आभार और यहाँ पे स्वागत समारोह रखें। लगातार 2015-16 के बीच से ही लगातार भूरी नदी के पास से भाकरम, जहाँ पर लगभग 300 परिवार निवास करते हैं जौलजीबी में, हम तटबंध की मांग कर रहे थे कि आए दिन हमें बरसात में कहीं ना कहीं अपने घरों से बेघर होना पड़ता है, क्योंकि हम भौगोलिक परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि नदी की जो लहरें हैं वो हमारे घरों की दीवारों को या उसके आगे जो बहुत पुरानी जीर्णशीर्ण अवस्था में जो दीवार है उस तक हमारा जल स्तर उससे ऊपर पहुँच जाता है। कहीं ना कहीं सीमांत क्षेत्र को डेवलपमेंट को देखते हुए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार व राज्य सरकार को कि बहुत संवेदनशील है जौलजीबी, दो नदियों का मुहाना है, तो हम चाहते हैं कि यदि यह मांग हम पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हैं, यदि इन मांगों को अगर हमारी बातों को नहीं माना जाएगा तो हम आगामी भविष्य में उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। गुंजी को वाइब्रेंट विलेज के तौर पर सरकार ने लिया है, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं, कितना विकास गुंजी क्षेत्र का होगा? जो ये केंद्र सरकार ने अभी वाइब्रेंट विलेज में गुंजी को लिया है, मुझे विश्वास है कि विकास होगा। और इससे पहले भी देखा गया है कि जो हमारे गांव हैं, सीमांत गांव हैं, बहुत पिछड़ा सीमांत है, यहाँ पर विकास के नाम पर अभी कोई कार्रवाई या विभागीय कार्रवाई जो है अभी तक नहीं हुई है। आप जैसे बिजली की समस्या देखिए, रोड है, शौचालय है, अन्य कोई भी समस्याएं देखिए, सब बहुत भिन्न है, बहुत दूर है। मुझे विश्वास है कि ये विब्रांड विलेजेस जो बनेगा, सारे विभाग इसमें कुछ न कुछ कार्य करेंगे और विकास तेज़ी से होगा।
डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब DCL न्यूज़।